हेलो फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के बारे में हम सीख रहे हैं अभी और एक कंट्रोलर की सीरीज चल रही है। तो अभी आज हम सीखेंगे विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक क्या होती है। तो विंडो मेमोरी की ये जो होती है, हमारी मेमोरी होती है, हमारी जो रैम होती है, ये विंडो मेमोरी की एरर जो होती है वो एरर को डिटेक्ट करने के लिए कुछ एरर वगैरह होती है हमारे सिस्टम के अंदर। तो उस एरर को सेट करने के लिए, उस एरर को चेक करने के लिए कि हमारे रैम को कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तो इसके लिए ये टूल्स दिया है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। और यहाँ पर आप विंडो मेमोरी के डायग्नोस्टिक के मतलब आपका जो रैम जो होता है वो रैम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैम को कोई डैमेज नहीं है। तो यहाँ पर विंडो मेमोरी क्या होती है, उस रैम को प्रॉपरली चलाने के लिए उसको चेक करने के लिए ये टूल्स होता है। तो यहाँ पर विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल्स है वो किस तरह से काम करता है और यहाँ पर क्या यूज़ होता है यहाँ पर। तो हमारे जो कंप्यूटर के ऊपर जो रैम होती है उसका जो पूरा नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और ये मेमोरी हमेशा रैंडमली काम करती है। तो हमारा जो कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू हो या डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या सर्वर हो, उसके ऊपर हमारी रैम होती है तरह तरह की अलग अलग। वो रैम कितने टाइप की अलग अलग, बहुत सारे अलग टाइप की, उसकी स्पीड, उसकी कैपेसिटी, तो उसका डेटा जो होता है उसको क्या होता है रिसीव करना होता है, सेंड करना होता है, उसको ट्रांसफ़र करना होता है। तो बहुत सारे अलग टाइप की आपको DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, माइक्रो रैम, एसओ रैम, बहुत सारे टाइप की आपको रैम मिल जाएगी। तो इस रैम के अंदर क्या होता है कि रैम के ऊपर जो छोटी छोटी चिप्स होती है ब्लैक कलर की, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो चिप्स को ये क्या करता है, टूल्स चेक करता है। तो हमारे सिस्टम के अंदर जो रैम होती है इसके ऊपर बहुत सारा लोड होता है, या तो फिर हम कहते हैं कि हम बहुत काम होता है हमारे रैम के ऊपर। तो रैम की जो ये जो टूल होता है, रैम की एरर होती है, रैम की जो कोई प्रॉब्लम होती है तो उस क्या करता है, चेक करता है ये। और यहाँ पर आपकी जो चिप्स होती है जो रैम के ऊपर, उसको धीरे वन बाय करके क्या करता है, चेक करता है, यही काम होता है। मैं जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा थोड़ी देर के लिए रिस्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर। फिर रिस्टार्ट होने के बाद हमारे सिस्टम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो थोड़ा टाइम वो रिस्टार्ट करने मिलेगा। रिस्टार्ट होने के बाद थोड़ी ब्लू कलर की विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पर जो विंडो आएगी ब्लू कलर की, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और थोड़ा सा वेट करने के बाद वो क्या करेगा, चेक करेगा आपका विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक, चेक करेगा कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। वो दो स्टेप में चेक करेगा। फर्स्ट वो अपने सिस्टम की थ्रू चेक करेगा, सेकंड जो उसको ओवरऑल होता है वो चेक करेगा, मतलब बारीकी से वो अपनी हमारी रैम को चेक करता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सेट कर सकते हो, उसको आप F1 बटन दबा कर उसके ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मेमोरी डायग्नोस्टिक का यही काम होता है कि रैम को चेक करने के बाद यहाँ पर उसकी एरर, उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो इस तरह से मेमोरी में, तो यहाँ पर इस तरह से इस टूल का यूज़ होता है। और विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक भी यही काम करती है कि हमारा जिस तरह की हमारी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क को चेक करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर मेमोरी की ये टूल्स है। तो यहाँ पर विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक के बारे में आपको मैंने बता दिया। तो विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक हमेशा ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन ही यूज होता है। ये अभी मैं क्लिक करूँगा तो ये मैं आपको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि ये रिस्टार्ट होकर वो सारे सॉफ्टवेयर को बंद कर देता है। और यहाँ पर मैं जो सॉफ्टवेयर से मैं आपको रिकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा तो ये सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाएगा। इसकी वजह से विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक क्या होती है, बंद हो जाती है। सारे सिस्टम को बंद करने के बाद वो सिर्फ रैम पर ही ध्यान देती है, रैम को चेक करती है। डायग्नोस्टिक टूल से हम सेटअप कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।